हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लास वीडियोज चैनल में। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी के अमोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 2020 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 6 है। अभी तक अगर पार्ट 1 से पार्ट 5 का वीडियोज नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके उन सारे वीडियोज देख सकते हैं। ओके, आपका 20 क्वेश्चन में सही आंसर कितना होता है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का फ्री में पीडीएफ भी चाहिए तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी है मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है नाइस्टीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिए हैं वो दिए हैं ऑप्शन नंबर सी नाइस्टीन। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है ऑप्शन नंबर ये राजस्थान। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो जो सबसे बड़ा भारत का राज्य है वो है ऑप्शन नंबर ये, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ये है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स मरुस्थलीय क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, स्वेज नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ये है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स हिंद महासागर एवं अरब सागर को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वेज नहर जोड़ती है वो जोड़ती है ऑप्शन नंबर ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ये है आयताकार, ऑप्शन नंबर बी है सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर सी है तारा प्रतिरूपी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्वतीय भागों में बस्तियां पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये आयताकार। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन नंबर ये है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी है जल प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी है मृदा प्रदूषण से, और ऑप्शन नंबर डी है वायु प्रदूषण से। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ओके, सर्वाधिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं जल प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ये है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ऑप्शन नंबर ये भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ये है हाजीपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो जो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर ये हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ये है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। तो जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी 7। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है?
ऑप्शन ये है मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी है प्रारंभिक स्थायी कृषि, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन डी है रोपण कृषि। तो जो रबर है वो है ऑप्शन नंबर डी रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ओके, ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एशिया। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है लोह इस्पात उद्योग के लिए। तो जो सोलापुर जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन ए है कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी डेल्टा, ऑप्शन डी है गंगा डेल्टा। तो जो जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर डी गंगा डेल्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है केरल में। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? ओके, तो ऑप्शन ए है टेलर, ऑप्शन बी है कुमारी सैंपल, ऑप्शन सी है रेटजेल, ऑप्शन डी है रीटर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कुमारी सैंपल। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है जलवायु, ऑप्शन बी है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है स्थलाकृति। तो जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है ऑप्शन नंबर ए जलवायु, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन ए है सोना से, ऑप्शन बी है कोयला से, ऑप्शन सी है तांबा से, ऑप्शन डी है लोह अयस्क से। तो जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय क्रांति, ऑप्शन सी है स्थानिक क्रांति, ऑप्शन डी है अन्वेषण और वर्णन। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक क्रांति। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।